हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करने वाले हैं कुर्ती के आस्तीन की। तो ये इसकी जो चेस्ट की साइज़ है वो है 34 इंच। तो 34 इंच की चेस्ट की साइज़ है। तो अब हम इसको इसके स्लीव्स कट करेंगे। ये हमने कपड़ा लिया है, ये देखिए इस तरह से हमने कपड़ा लिया है। और हम स्लीव्स की जो लंबाई है वो रखेंगे 4 इंच। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, फिर इसको यहाँ से इस तरह से करके डबल फोल्ड कर लेना है सबसे पहले। अब उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम नाखून मार देंगे ताकि अच्छे से हमारा कपड़ा बैठ जाए। तो दोस्तों, ये हमने कपड़े को बिछा लिया है। तो अब एक यहाँ से हम सीधी लकीर खींच लेंगे इस तरह से। ये हमने सीधी लकीर खींच ली। अब इसके बाद हम यहाँ से जो है 1 इंच ऊपर एक लाइन खींच देंगे फिर से। ये हमारा आस्तीन के नीचे हम जो मोड़ते हैं वो मार्जिन रहेगा। ये यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई लेंगे, ये देखिए। ये यहाँ से हम कट करेंगे, मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए हमने कट कर लिया। अब ये इतना जो है हमारा ये फोल्ड करने में जाएगा। तो अब हम लेंगे आस्तीन की लंबाई। आस्तीन की जो लंबाई है वो 4 इंच हम रखने वाले हैं। तो इसकी तो इसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे, 4.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। आपके आस्तीन की लंबाई आप जितनी भी रखने चाहते हो उसमें आप 1/2 इंच प्लस कर सकते हैं। ये हमारा इतना मार्जिन में जाएगा। ऊपर का जो 1/2 इंच हमने प्लस किया है वो हमारा शोल्डर जोड़ने में जाएगा 1/2 इंच। तो ये 4 इंच हमारी बराबर आएगी। तो अब हम इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है मैं आपको बताता हूँ। अब हमारी जो चेस्ट की साइज़ है वो है 34 इंच 34 इंच। तो 34 इंच है तो उसका हम लेंगे 1/4। 1/4 होता है 8.5 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच होता है। तो उसमें हम प्लस कर देंगे 1/2 इंच। ये 8.5 इंच हमारा नाप आ रहा था, प्लस हम 1/2 इंच कर देंगे उसमें। तो हमारी जो फिटिंग है आस्तीन की बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, कहीं से भी झोल नहीं आएगा। ये 9 इंच पर हम ये निशान लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको मैं आपको बता देता हूँ, एक सीधी लाइन खींचकर इस तरह से हमने ये हमारी चौड़ाई हो गई आस्तीन की। यहाँ से भी खींच के दिखा देता हूँ मैं एक लाइन, और ये हमारी लंबाई हो गई। देखिए ये हमारी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब हमें डाउन कितना करना है, नीचे यहाँ से डाउन कितना करना है। तो हमारी जो आस्तीन की लंबाई है 4 इंच है। तो दोस्तों, 4 इंच लंबाई के लिए हम डाउन करेंगे 1.25 इंच पर। इस तरह से हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ये 4 इंच हमारी स्लीव्स की लंबाई है। ये 8 इंच तक हम 1.25 इंच पर ही डाउन कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। अगर हमारा 8 इंच से 10 इंच 11 इंच 15 इंच है तो हम करेंगे 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर यहाँ से हम कटिंग करेंगे। 15 इंच तक अगर हमारा स्लीव जाता है तो 2.5 इंच पर करेंगे। अगर हमारा स्लीव जो है 15 इंच से आगे है, यानी कि 18 इंच 20 21 इंच तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ से हमारी इस तरह से ये हम कटिंग कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, हमारा स्लीव जो है 20 21 इंच अगर होगा तो 3 इंच पर यहाँ से 3 इंच नाप लेंगे तो कटिंग करेंगे। तो अब हमारा जो स्लीव हम कट करने वाले हैं तो उसकी लंबाई 4 इंच है। तो हम यहाँ पर 2.25 इंच पर ही
मार्क लगा देते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं। अब यहाँ पर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लेना है 2 इंच, 2 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। अब यहाँ से ये यहाँ तक हमारी ये जो मार्क किया है, एक शेप बना देंगे हम इस तरह से। इस तरह से आपको शेप दे देना है, ठीक है। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब ये हमारी जो बाजू की जो घेर की दंड घेर जो है हमारा, उसकी जो फिटिंग है 6 इंच है, 12 इंच है, तो उसका हाफ 6 इंच होता है। तो ये 6 इंच हम उसमें प्लस करेंगे, हमारा मार्जिन 1.5 इंच, तो होता है हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर ये देखिए, यहाँ से 7.5 इंच यहाँ तक हम करेंगे, यहाँ से हमारी कटिंग होगी। तो मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये हम हमारी जो लाइन खींची थी, यहाँ से हम करेंगे इस तरह से फोल्ड। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हम कट करेंगे। ये यहाँ मिला लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से कट करेंगे। ये हमारा इतना कपड़ा फोल्ड होगा। तो इस कपड़े को भी हम अलग कर लेते हैं। ये इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सीधा रख लेता हूँ। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच और यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से ये जो है हमें शेप दे देंगे एक। इसी शेप में हमें कटिंग करनी है। यहाँ से हमें 1.25 इंच लेना है। अब इसको हम कर देंगे कटिंग। ये ऊपर की जो 2 पल्ले हैं, इन्हें ही हमें कट करना है। ये वाला हिस्सा जो है हमारा सामने की साइड में आएगा। अच्छे से हमें कट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। और ये जो पीछे वाला जो साइड है, इस वाले साइड को हमें यहाँ से कट करते हुए बिल्कुल मिलाकर, फिर इसको गैप देते हुए इस तरह से हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, ये हमारे स्लीव्स की जो कटिंग है वो पूरी हो गई है। यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे सेंटर में। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि स्लीव्स हमारी कटिंग है। देखिए, इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो गई है हमारी। अगर आप भी इसी तरह से अगर स्लीव्स की कटिंग करते हैं, तो आपकी जो फिटिंग है आस्तीन की, वो बहुत ही बढ़िया आएगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।